अगले आईपीएल एडिशन को लेकर बीसीसीआई कंफर्म कर चुका है कि अगले आईपीएल एडिशन में हमें 10 टीमें देखने को मिलेगी। 10 टीमें होने के कारण यहाँ पर दिसंबर के महीने में हमें बड़ी नीलामी यानी मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा और मेगा ऑक्शन में एक टीम केवल 3 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी। इसी वजह से बड़े बड़े प्लेयर्स इस साल मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। मैं इस वीडियो में आपको कन्फर्म 20 बड़े प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जो कि टीमों द्वारा ना चाहने के बाद भी यहाँ पर मेगा ऑक्शन का भाग होंगे, यानी टीमों द्वारा रिलीज होंगे। आपको इस बड़े प्लेयर्स के इस वीडियो में नाम बताए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताया जाएगा कि इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा, कौन कौन सी टीमें इनको टारगेट करेगी। तो कुल मिलाकर मेगा ऑक्शन को लेकर सभी आईपीएल टीमों को लेकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उन 20 प्लेयर्स की जो कि यहाँ पर टीमों द्वारा ना चाहने के बाद भी केवल 3 प्लेयर्स रिटेंशन पॉलिसी के चलते मेगा ऑप्शन से पहले यहाँ पर रिलीज होंगे। इसके साथ आपको बताया जाएगा इन 20 प्लेयर्स में से आखिर कौन सा प्लेयर कितना महंगा बिकेगा, कितने करोड़ तक इनकी बोली जाएगी। अगर हम बात करते हैं इन 20 प्लेयर्स की कंप्लीट लिस्ट की तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है सीएसके का अंबाती रायडू का। दरअसल अंबाती रायडू का पिछले 3 साल के टाइम पीरियड में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, इसके बावजूद अब केवल 3 प्लेयर्स रिटेन कर पाने के कारण ये मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। सीएसके की टीम चाहकर भी इनको यहाँ पर रिटेन नहीं कर पाएगी और मेगा ऑक्शन में 3-4 करोड़ तक इनकी इजीली बोली चली जाएगी। दूसरे नंबर पर नाम आता है सैम करन का। दरअसल सैम करन को भी शायद सीएसके की टीम चाहकर भी रिटेन ना कर पाए। ये टीम एमएस धोनी, रविंद्र जाडेजा और फेब डुप्लेसिस को या फिर सुरेश रैना को रिटेन करेगी। इसी वजह से सैम करन यहाँ पर मेगा ऑप्शन का और यहाँ पर भाग होंगे। इसी वजह से यहाँ पर 10 करोड़ तक अब मेगा ऑप्शन इनकी बोली जा सकती है। आरसीबी की टीम इनके पीछे होगी, पंजाब की टीम इनके पीछे होगी, एमआई की टीम भी इनके पीछे होगी। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर नाम आता है मोइन अली का। दरअसल मोइन अली भी रिटेन नहीं होंगे, इसी वजह से ये भी मेगा ऑप्शन का भाग होंगे और इवन इनकी भी 10 करोड़ तक ईजिली बोली चली जाएगी। काफ़ी सारी टीमें इनके पीछे भी आ जाएगी, इवन पंजाब, हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल जैसी टीमें इनके पीछे होगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी इनको टारगेट कर सकती है। चौथे नंबर पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के एंड्रिच नोकिया का। दरअसल एंड्रिच नोकिया भी यहाँ पर रिटेन नहीं हो पाएंगे, ये भी मेगा ऑप्शन का भाग होंगे और 5-7 करोड़ तक तो इनकी इजीली बोली चली जाएगी। हो सकता है कि तेज गेंदबाज होने के कारण 10-12 करोड़ तक भी इनकी बोली चली जाए। पांचवें नंबर पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के मार्कस टोइनस का। ये भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम से शायद रिटेन ना हो पाए, केवल 3 रिटेन प्लेयर की पॉलिसी होने के कारण ये भी रिटेन नहीं हो पाएंगे, ये भी मेगा ऑप्शन में जाएगी और 5 करोड़ के आसपास इनकी भी इजीली बोली चली जाएगी। छठे नंबर पर नाम आता है लोकी फर्गसन का। दरअसल लोकी फर्गसन भी यहाँ पर केकेआर की टीम की तरफ से रिटेन नहीं होंगे, ये भी इसी वजह से मेगा ऑप्शन का भाग होंगे और मेगा ऑप्शन में 3-4-5 करोड़ तक तो इनकी भी इजीली बोली चली जाएगी। एमआई, आरसीबी, राजस्थान रॉयल जैसी टीमें इनको टारगेट करेगी। अब बात करते हैं छठे प्लेयर की। छठे नंबर पर नाम आता है क्विंटन डिको का। दरअसल क्विंटन डिको भी एमआई की टीम से रिटेन नहीं हो पाएंगे, मेगा ऑप्शन का ये भी भाग होंगे, 7-8 करोड़ तक इजीली इनकी बोली चली जाएगी। आठवें नंबर पर नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। दरअसल ट्रेंट बोल्ट भी एमआई की टीम की तरफ से चाहने के बाद भी रिटेन नहीं हो पाएंगे, ये भी मेगा ऑप्शन का भाग होंगे। सीएसके की टीम इनको टारगेट करेगी, हैदराबाद, पंजाब की टीम भी इनको टारगेट करेगी, 7-8 करोड़ तक इनकी भी इजीली बोली चली जाएगी। इसके बाद नवें नंबर पर यहाँ पर नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। दरअसल एमआई की टीम केवल 3 ही प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी और मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इसके साथ जसप्रीत बुमराह को या फिर हार्दिक पांड्या की जगह शायद कायरन पोलार्ड को ये टीम रिटेन कर ले। सूर्य कुमार यादव भी रिलीज होंगे और इनके पीछे तो कंफर्म रूप से यहाँ पर सीएसके, केकेआर, आरसीबी की टीम होगी। हो सकता है हैदराबाद, राजस्थान की टीम भी इनके पीछे आ जाए और 10-12 करोड़ या फिर 13 करोड़ तक ये यहाँ पर आसानी से चले जाए। हो सकता है कि मेगा ऑक्शन के ये सबसे एक्सपेंसिव बिकने वाले प्लेयर भी बन सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कितने करोड़ तक ये बिकेंगे और कौन सी टीम इनको परचेस करेगी। इसके बाद 10वें नंबर पर नाम आता है ईशान किशन का। दरअसल ईशान किशन भी यहाँ पर मेगा ऑक्शन का भाग होंगे, काफ़ी सारी टीमें इनको टारगेट करेगी और सीएसके, आरसीबी जैसी टीम तो 7-8 करोड़ तक इनको पैसे दे सकती है। इसके बाद 11वें नंबर पर नाम आता है शाहरुख खान का। दरअसल पंजाब के विस्फोटक फिनिशर शाहरुख खान भी यहाँ पर मेगा ऑक्शन का भाग होंगे और पिछली नीलामी में भी ये 5 करोड़ में बिके थे, तो मेगा ऑक्शन में 7-8 करोड़ तक ही इजीली बिक जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नाम आता है
है जोफ्रा आर्चर का। दरअसल अपनी इंजरी के चलते हुए जोफ्रा आर्चर को राजस्थान रॉयल्स की टीम रिटेन नहीं करेगी। हालांकि इंजरी से अगर ये रिकवर हो जाते हैं तो 10-12-13 करोड़ तक ये बिक जाएंगे, और अगर रिकवर नहीं हो पाते, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो भी 4-5 करोड़ तक तो इजीली बिक जाएंगे। MIRCB की टीम इनको टारगेट करेगी, हो सकता है KKR की टीम भी इनको टारगेट कर ले। इसके बाद नाम आता है बेन स्टोक्स का। दरअसल बेन स्टोक्स IPL में अवेलेबल नहीं हो पाते, इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम शायद इनको रिटेन ना करे, और यहाँ पर मेगा ऑक्शन का भाग होने पर बेन स्टोक्स भी शायद मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन जाए, या फिर मेगा ऑक्शन में कोई नया इतिहास रच दे। कुल मिलाकर इनके पीछे भी 8 में से लगभग 6 टीमें होगी। इसके बाद नाम आता है लिविंगस्टोन का। दरअसल राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज लिविंगस्टोन भी यहाँ पर मेगा ऑक्शन का भाग होंगे, ये भी अपने फॉर्म के चलते हुए काफी एक्सपेंसिव बिकेंगे। इसके बाद नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का। दरअसल मैक्सवेल भी मेगा ऑक्शन का भाग होंगे, RCB की टीम शायद इनको रिटेन ना कर पाए, और मेगा ऑक्शन में आने के बाद 10-12-13 करोड़ तक इनकी एक बार फिर से बोली चली जाएगी। इस बार तो CSK राजस्थान रॉयल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी यहाँ पर इनके पीछे काफी अधिक पैसा लुटाएगी। इसके बाद नाम आता है डेविड वॉर्नर का। दरअसल इनको भी शायद हैदराबाद की टीम रिटेन नहीं करेगी, और ये भी मेगा ऑक्शन में काफी महंगे बिकेंगे। लगभग 8 टीमों में से यहाँ पर 6 टीम इनको टारगेट करेगी। इसके बाद नाम आता है टी नटराजन का। दरअसल ये भी शायद हैदराबाद की टीम से रिटेन ना हो पाए, 3 रिटेंशन पॉलिसी के चलते ये भी रिटेन ना हो पाए, ये भी मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। 7-8 करोड़ तक इनकी भी इजीली बोली चली जाएगी। इसके बाद नाम आता है अब्दुल समद का। दरअसल ये भी यहाँ पर हैदराबाद की टीम से रिटेन नहीं हो पाएंगे, पिछले सालों के फॉर्म को देखते हुए ये 3-5 करोड़ तक मेगा ऑक्शन में इजीली बिक जाएंगे। इसके बाद नाम आता है राजस्थान रॉयल्स के मुस्तफिजुर रहमान का। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान भी मेगा ऑक्शन में रिटेन नहीं हो पाएंगे, ये भी यहाँ पर मेगा ऑक्शन का भाग होंगे, और CSK की टीम मेगा ऑक्शन में 5-7 करोड़ तक इनके पीछे जा सकती है। CSK के होम पिच पर ये काफी यूजफुल हो सकते हैं, इसी वजह से 5 करोड़ तक CSK की टीम इनके पीछे जा सकती है। इसके बाद 20वें नंबर पर नाम आता है शेबनो हेटमायर का, ये भी रिटेन नहीं होंगे, और ये भी मेगा ऑक्शन का भाग होंगे। जब जब ये मेगा ऑक्शन में आए हैं 7-8-10 करोड़ तक इनकी इजीली बोली चली जाती है, तो एक बार फिर से 8-10 करोड़ तक इनकी बोली जाएगी, एक बार फिर से काफी एक्सपेंसिव ये बिकेंगे। तो कुल मिलाकर मेगा ऑक्शन में अब ये सारे प्लेयर्स यहाँ पर हमें ऑक्शन में आते हुए दिखेंगे, काफी अधिक इनकी बोली लगेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से प्लेयर की आखिर सबसे अधिक बोली लगेगी, और आपकी फेवरेट टीम को आखिर इनमें से कौन से प्लेयर को परचेस करना चाहिए, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।